हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकिया फ्रीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये डिफेंस का वीडियो है दोस्तों, HSSC। दोस्तों SSC का मतलब है तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, SSC का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन दोस्तों जो HSSC का मतलब है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भर्ती आप लोग को जनरल ड्यूटी और SI का पोस्ट आप लोग को मिला है। लेकिन दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप इंडिया का कोई भी स्टेट का कैंडिडेट है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया का कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस पोस्ट में आप लोग को GD और SI का यानी कि सब इंस्पेक्टर का दोनों का आप लोग को पोस्ट मिल रहा है दोस्तों। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक बात दोस्तों, इस पोस्ट के लिए दोस्तों ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं सब कुछ अभी आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं नोटिफिकेशन दिखा के अभी आप लोगों को सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करो, नहीं तो बाद में आप लोगों को कमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बोल सकते हैं दोस्तों, आप लोग सभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में अभी दिखाऊंगा। दोस्तों रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो नाम है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि दोस्तों HSSC, ठीक है। दोस्तों जो आप लोग को पोस्ट मिल रहा है दोस्तों, टोटल आप लोग को 6400 आप लोग को टोटल पोस्ट मिल रहा है, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 5000 मिल रहा है, और फीमेल के लिए 1000 यानी कि 6000 हो गया, और वो 4000 आप लोगों को सब इंस्पेक्टर के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसमें उसके बाद दोस्तों ये पोस्ट आप लोग क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, जनरल ड्यूटी एंड सब इंस्पेक्टर का दोनों का ही पोस्ट आप लोग को मिल रहा है। और दोस्तों ये एप्लीकेशन मोड यानी कि दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। और जॉब कैटेगरी दोस्तों ये पुलिस का जॉब है, जैसे दोस्तों दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में जैसे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से दोस्तों ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये पुलिस का जॉब है, ठीक है, ये हरियाणा पुलिस का जॉब है। लेकिन दोस्तों SSC हरियाणा स्टेट SSC के अंडर वो लिया जा रहा है, जो अभी SSC के अंदर जो अभी जो सो दिल्ली पुलिस का जैसे निकला है, ठीक उसी की तरह से, ठीक है। दोस्तों ये आपको जॉब लोकेशन आप लोग को हरियाणा में ही आप लोग को जॉब मिलेगा, जैसे दिल्ली पुलिस में मिलने से आप कोई भी स्टेट से हो तो आपका पूरा ज़िंदगी दिल्ली में ही आपका नौकरी होगा, ठीक उसी तरह अगर ये नौकरी आपको मिलता है तो आपको हरियाणा में ही आप लोग को पदक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड वो बाद में आप लोग को पता चल जाएगा किस तरह से मिलता है। और दोस्तों हाउ कैन अप्लाई दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कौन कौन सी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इस पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, पूरे इंडिया में सभी स्टेट का सभी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, पहले आपका होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों PET यानी कि दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद दोस्तों PST यानी कि दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोग को हाइट वेट कितना मांगता है वो बताता हूँ। और दोस्तों आपका मेल जो कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर आपको जनरल हाइट होना पड़ेगा। और दोस्तों जो कैटेगरी वाइज यानी कि दोस्तों SC ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है उसके हिसाब से दोस्तों 168 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फीमेल कैंडिडेट क्या हाइट 158 सेंटीमीटर, और दोस्तों कैटेगरी वाइज 156 तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपका एग्ज़ाम टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हाँ आपको टोटल मार्क होगा 80 मार्क होगा, टोटल क्वेश्चन आप लोग को 100 क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट यानी कि दोस्तों 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप जो भी अच्छा लगता है ना उसी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मैं नोटिफिकेशन नीचे दे दूँगा, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सिलेबस को देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। दोस्तों आप लोग को 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना पड़ेगा अगर आप
एचएस पास हो तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका मैट्रिक पे जो आपका जब मैट्रिक दिया था मैट्रिक में आप लोग को हिंदी या संस्कृत आपका सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों हिंदी या संस्कृत दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका लिया होना चाहिए मैट्रिक में, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो ना, ठीक उसी तरह से सब इंस्पेक्टर में आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों कोई भी आप आर्ट्स साइंस कोई भी से आप ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट करते हो तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप मैट्रिक में आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों एज लिमिट आपको जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल ड्यूटी के लिए 18 से लेकर 25 इयर्स तक आप लोग को एज लिमिट मांगा जा रहा है 18 से लेकर 25 इयर्स तक जनरल ड्यूटी के लिए। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए जा रहे हो यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप जा रहे हो तो 21 से लेकर 27 के बीच में आप लोग को एज लिमिट मांगा जा रहा है। और दोस्तों रिलैक्सेशंस में मिलेगा जैसे बैकवर्ड क्लासेस का जैसे SC ST का उसको 5 इयर्स का आप लोग को छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशंस दोस्तों 100 अगर GD के लिए जा रहे हो ना तो आप लोग को 100 रुपीज़ फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को आप लोग को 50 रुपीज़ आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है, हरियाणा स्टेट फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए हरियाणा जो स्टेट का है उन लोगों के लिए 25 रुपीज़ दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो SC ST OBC जो फीमेल कैंडिडेट जो हरियाणा स्टेट का है ना उन लोगों को छूट मिलेगा, सॉरी। और दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर की बारे में बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो उसके लिए दोस्तों एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ ओनली। उसके बाद दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 75 रुपीज़ ओनली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 12 जून से लेकर शुरू होगा दोस्तों। 12 जून से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा, यानी कि दोस्तों अभी 12 जून शायद पार हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो 12 जून से लेके 26 जून के बीच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। और दोस्तों किस तरह से अप्लाई करते हैं उसका भी अगर लिंक चाहिए मैं नीचे दे दूंगा दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई लिंक इसी तरह से देकर रखा, अभी तक ऑनलाइन अप्लाई का लिंक नहीं आया है इसीलिए नहीं दिया है। और दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट का इसमें आप लोग को क्लिक करना होगा, आप लोग का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट को देखकर आप लोग अच्छी तरह से एक बार पढ़ाई कर लीजिए क्योंकि दोस्तों शायद हो सकता है मैंने कोई कहीं पर गलत बोल दिया है, तो अगर गलत बोल दिया है तो आप खुद देख सकते हो वो सुधार सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कोई भी अगर आपका मन में क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोग को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसीलिए दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।